नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया सिंह। फटाफट देखते हैं आज देश भर की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा में जानेंगे क्या है बड़ा अपडेट। लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है, अगर अभी तक आपने द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। भारत में कोरोना के 3,37,000 नए मामले, ओमिक्रॉन के केस 10,000 के पार। देश में पिछले 3 दिनों से कोरोना वायरस के डेली मामले 3 लाख से ज्यादा। यूपी में 30 जनवरी तक सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद रखने का आदेश। राजस्थान में अब शादी समारोह में 100 लोग हो सकेंगे शामिल। वहीं रोजाना रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में फिलहाल सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने की दिया आदेश। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हुआ कोरोना। पूर्व सीएम ने संपर्क में आए लोगों से अपील की है कि वे भी अपना टेस्ट करा लें। डॉक्टरों की सलाह पर खुद को घर पर किया आइसोलेट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों, रोड शो पर पाबंदी 31 जनवरी तक बढ़ाई। प्रतिबंध की समय सीमा 22 जनवरी को खत्म हो रही थी। चुनाव आयोग ने जब 8 जनवरी को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था तब एक हफ्ते के लिए रैलियों, रोड शो और जनसभा पर पाबंदी लगाई गई थी। इसे बाद में 15 जनवरी को एक हफ्ते बढ़ाया गया था। चुनाव आयोग ने डोर टू डोर प्रचार अभियान पर नए दिशा निर्देश दिए हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले चरण वाली सीटों पर 28 जनवरी के बाद से रैलियां करने की छूट दे दी है, जबकि दूसरे फेज में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है वहां 1 फरवरी से रैलियों को लेकर भी ढील दे दी गई है। कोविड-19 के पालन के साथ सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो वैन की भी इजाजत दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले 2 फेज के चुनावों को छोड़कर कहीं भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल यात्रा, रैली या जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। पहले 2 फेज में जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां रैलियां और जनसभाएं हो सकती हैं, लेकिन इनमें अधिकतम 500 लोग ही शामिल हो सकते हैं या फिर जगह की 50% क्षमता के बराबर लोग शामिल हो सकते हैं। ये छूट पहले फेज में 28 जनवरी से 8 फरवरी 2022 के बीच रहेगी। हालांकि मतदान के पहले जिन 2 दिनों में चुनाव प्रचार पर रोक रहती है वो जारी रहेगी। पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हुई पार्टियां। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला। बोले, पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सीएम चन्नी जिम्मेदार। कैप्टन ने कहा, अपनी गलती के लिए स्पष्ट रूप से माफी मांगे सीएम चन्नी। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार किया तेज। राजनीतिक उठापटक के बीच अमित शाह का घर घर जाकर प्रचार। कोरोना नियमों की हो रही है जमकर अनदेखी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी भी डोर टू डोर कैंपेन के लिए पूरी तरह से तैयार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को इस बार अपने सोशल अकाउंट की डिटेल भी देनी होगी। नामांकन पत्र में बताना होगा क्या है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की आईडी। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में ये सब डिटेल पढ़नी होगी। गोवा में सत्ताधारी बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में 40 में से 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। बेनालिम और नुवेम विधानसभा क्षेत्र के लोग परंपरागत रूप से गैर भाजपाई उम्मीदवारों के लिए मतदान करते हैं। ये दोनों ईसाई बहुल सीटें हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच दिल्ली में सुरक्षा कड़ी। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के गुडविल स्कूल में 26 जनवरी के दिन फहराया जाएगा करीब 150 फुट ऊंचा तिरंगा। राज्य में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से बिहार होमगार्ड में सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए 7 फरवरी से होने वाली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की गई स्थगित। साथ ही बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए होने वाली पीईटी भी स्थगित कर दी गई है। अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भारत में सिम कार्ड के नियमों में किया बदलाव। अब सरकार के इस कदम से इंटरनेशनल रोमिंग वाले ग्राहकों को होगा काफी फायदा। साथ ही अब 9 से अधिक सिम रखने की छूट को किया गया बंद। नहीं मारने पर हमेशा के लिए बंद होगा सिम कार्ड। वेस्ट बंगाल के एनजेपी से दार्जिलिंग के बीच फिर से ट्रैक पर दौड़ी वर्ल्ड फेमस टॉय ट्रेन। करीब 3 महीने बाद शुरू हुई सेवा। यूनेस्को ने टॉय ट्रेन को दिया है वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। विदेश मंत्रालय जल्द नेक्स्ट जनरेशन ई पासपोर्ट की शुरुआत कर सकती है, जिसमें पासपोर्ट धारक का सुरक्षित बायोमेट्रिक डाटा स्टोर होगा। पासपोर्ट जालसाजी रोकने में होगी आसानी। मध्य प्रदेश के नीमच में एक दुल्हन ने स्कूटी पर दूल्हे को बैठाकर शादी में मारी ग्रैंड एंट्री। दुल्हन खुद स्कूटी चलाकर गाजेबाजी के साथ जयमाला के स्टेज तक पहुंची। जैसे ही दुल्हन दूल्हे को अपने एक्टिवा पर बिठाकर मंडप तक लाई तो शादी में आए सभी मेहमान हैरान रह गए।
कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी से न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई गिरावट। पर्यटन स्थल गुलमर्ग, माता वैष्णो देवी और पहलगाम में हुई ताज़ा बर्फबारी। कटरा में हुई बर्फबारी से माता वैष्णो देवी का भवन ढका सफेद चादर से। पहलगाम में दर्ज किया गया 0 से 2.6 डिग्री कप तापमान। हिमाचल में बिजली गिरने के साथ भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना। 2 दिन के दौरान 7 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और शिमला के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठंड। साथ ही धनौल्टी, जौनसार, बावर समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अभी बना रहेगा इसी तरह का मौसम। T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल हुआ जारी। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 23 अक्टूबर को आमने सामने होगी भारत और पाकिस्तानी टीम। 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। आनंद महिंद्रा ने पूरा किया अपना वादा। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 में भारत को गोल्ड दिलाने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल के बाद अब अवनी लेखरा को भी पर्सनलाइज्ड महिंद्रा XUV 700 गोल्ड एडिशन SUV की गिफ्ट। आप देख रहे थे देश भर की 20 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।